कहते हैं हम किसी चीज़ की गहराई का अंदाज़ा ना उसको देख के नहीं लगा सकते। जिस तरह एक समुंदर का पता नहीं चलता कि वो कितना गहरा है जब तक हम उसमें डूबे ना, उसी तरह हम अपनी चीज़ों का तब तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अपनी एक क्रिएटिविटी का, अपने टैलेंट का, जब तक हम अपने जज्बे में पूरा डूब नहीं जाते। जो करना है ना खुल के करो, जो करना है दिल से करो, पूरा डूब के करो। लाइफ पड़ी है, टाइम नहीं भाग रहा, उम्र भी नहीं भाग रही, आप सब कर सकते हो। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं स्टे कर रही हूँ रेड्स रेजिडेंसी के साथ। सो वो दिस इज़ देयर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत फेमस है, एंड इट वाज एक्चुअली सो यम्मी। हाई गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस साइड साक्षी धंजल, और मैं आई हूँ आज जू टाउन। ये एक स्ट्रीट है, बेसिकली मैं हूँ अभी क्या कहते हैं केरला में, तो कोची में एक स्ट्रीट है तरफ, लाइक मुझे भी नहीं पता, कहते हैं कि चर्च की तरफ जा रही है, बट अभी जैक वॉक करते हुए देखते हैं। और आज बहुत बारिश है, एंड लुक एट दिस, दिस लुक्स अमेजिंग राइट। सो बेसिकली आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, देर आर लॉट ऑफ क्लोथ्स, अदर मटेरियल, होम डेकोर एंड ऑल। प्लस इस रोड के बिल्कुल एंड तक जाओगे तब आपको चर्च मिलेगा, द स्ट्रीट इज़ ब्यूटीफुल। मैं आ गई हूँ चर्च, जूस कम्युनिटी ऑफ कोची, इट्स द परदेसी, वॉज बिल्ड इन 1568 बाय डिसेंट्स ऑफ स्पेनिश। ओके, तभी यहाँ को स्पेन के इतने लोग आते हैं यार, पोर्टुगल स्पेनिश। एंट्रेंस फीस है 10 रुपया और मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर। आप इसे एंटर कर सकते हो 10 रुपये देके, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। पर पता है अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मुझे कैमरा साइड रखना पड़ेगा। और ये स्ट्रीट जो है ये फुल ऑफ लाइक हैपनिंग स्ट्रीट है। स्ट्रीट में ऑल्दो तो व्हीकल्स अलाउ नहीं है, बट जिनकी शॉप्स है वो टू व्हीलर वगैरह ले ही आते हैं, या फिर जो चर्च के लोग होते हैं वैसे यहाँ पर व्हीकल्स अलाउ नहीं है। और यहाँ पे मोस्टली आपको देखेंगे यहाँ पे फॉरनर्स बहुत आते हैं यार, वो भी स्पेन से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक और चर्च है जो 1500 मतलब कुछ में बना है, एंड मैं उस चर्च के पास भी जाऊँगी। पेंटिंग कितनी सही है, दिस इज कैनवस पेंटिंग, जैसे कैफ़े है। तो जिस कैफ़े में अभी आई हूँ ये पूरा कैनवस पेंटिंग्स लगी हुई है मेरे आसपास। Wow, this is sitting area. Look at this phone, it's on sale. 4,800. I think a pretty famous cafe in the street, and it's nice also. It's a very different setup. Basically, art or culture पे based है। Oh, Fab India, यहाँ पे भी। मैं जहाँ जहाँ तक अभी घूमी हूँ ना, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एंटीक्स शॉप मतलब मूर्तियों की दुकानें हैं, और कपड़ा तो यहाँ पे बहुत ही सारा है, तो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी ना मूर्तियों की दुकानें हैं। मेरे राइट साइड जिंजर हाउस म्यूज़ियम है, इट्स जिंजर हाउस म्यूज़ियम होटल। एक्चुअली यहाँ पर ज्वेलरी, सिल्क क्लोथ और इन सब चीज़ों का यहाँ बहुत है, सिल्क पश्चिमा है ना। और मैंने कल सिल्क में मतलब कोकोनट सिल्क भी देखा जो बहुत सॉफ्ट था। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है मेरे सामने, जिंजर हाउस म्यूजियम होटल है। तो मैं आपको इनके यहाँ पे ना वो दिखाती हूँ मूर्तियाँ कितनी स्मार्ट रखी हुई हैं। दिस लुक दिस वन, इसको चाहिए अपने घर के लिए। इट्स लुक अमेजिंग राइट, this one is amazing, amazing piece of art. basically ये होटल की प्रॉपर्टी है प्रॉपर। मैंने जैसे एंट्रीज ले ली कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव प्लेस लगी,
और इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करा हमें इस प्लेस को। तो गाइस ये यहाँ का लोकल टेंपल है एंड टेंपल में पायनूर। ओके थैंक यू सो मच। तो भैया यहाँ पे वैसे ऑटो के रेट क्या है, लोकल लोकल रेट क्या है आपके, पैसे कितने पैसों में ऑटो मिल जाता है यहाँ पे, किधर जाने के लिए, आस पास जाने के लिए, घूमने के लिए, घूमने के लिए, हाँ के लिए, इधर देखने का, इधर भी ये है टेम्पल है ये वाला टेम्पल है हाँ, नेक्स्ट और इधर सिनोगो। अच्छा तो कितना ले लेते वैसे आप पर डे एक सवारी से, इधर एक सवारी के घंटा पे 200 रुपए, एक घंटा 200 रुपए। चलो थैंक यू गाइस। यहाँ पे बोटिंग है, अगर आप बोटिंग के लिए जाना चाहते हो, क्योंकि मैं सब कोई क्रूज में जाने के लिए अभी वो नहीं हूँ इंटरेस्टेड, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी कन्याकुमारी का प्लान है, तो वहाँ पे मुझे बोट लेनी पड़ेगी और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं गाड़ी में वापस जा। जितना आप यहाँ पे स्ट्रीट्स में घूमोगे ना, मैं बास्टेन स्ट्रीट पर हूँ इस वक्त, यहाँ पे बहुत कैफेज हैं और बहुत सारे ईटिंग पॉइंट्स हैं। इंडियन रेस्टोरेंट, फिलहाल मैं खड़ी हूँ सेंटा क्रूज चर्च। ये चर्च 1905 में बना था, उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए यहाँ पर, और सबसे पुराने चर्च में से एक है ये यहाँ पे, मतलब सबसे पुराना ही है ये चर्च यहाँ पर। दिस पेंटिंग्स ऑल आर बाय हैंड, सो सर बता रहे हैं कि ये 1505 में बना था, और फिर कौन आया था उसके बाद 1505 के बाद, डच, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया था। सो यू कैन एक्चुअली सी दिस आर ऑल हैंड क्रेविंग्स, इतना भी चर्च बना है सारा हैंड क्रेविंग पर है गाइस। सो दिस इज़ दी ओल्डेस्ट चर्च इन केरला। सो गाइस ये है सेंट फ्रांसिस चर्च, आपको वास्को डी गामा तो याद होंगे ही ना, जो हाँ वही वास्को डी गामा जो जिन्होंने सर्च करी थी, किस जगह की सर्च करी थी, बहुत सारी जगह की सर्च करी थी। सो यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे वास्को डी गामा का स्क्वायर भी कुछ किसी नाम से है। सो इस चर्च में कहते हैं वास्को डी गामा को ना मतलब दफनाया गया है इसी चर्च में। सो ये है मैरिटाइम म्यूज़ियम, अगर आप म्यूज़ियम एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। ओके दिस होम स्टे इज़ रन बाय मेलिसा, सो मेलिसा कितना टाइम से इसको रन कर रहे हो, सो हाउ इट्स बीन हाउ लॉन्ग यू आर रनिंग एन होम स्टे? अच्छा एक चीज़ और गाइस, मैंने इसको इंटरप्ट करने के लिए कि पहले ही बता दूं, यहाँ पे लोगों का इंग्लिश एक्सेंट का प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी एक्सेंट का प्रॉब्लम है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक इन हिंदी हेयर। हाँ सो माई मदर एंड फादर, ओके योर मदर एंड फादर यूज़ टू ओके ओके, सो हाउ ओल्ड इज दी होम स्टे? 15 ईयर्स। एंड यू टोल्ड मी आफ्टर कोविड देर आर लॉट्स ऑफ ट्रैवलर्स नाउ, ये मेरी वाली ही बालकनी है, मेरा पीछे ही रूम है, थर्ड रूम इज माइन। मुझे लग रहा है मुझे इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ अब अपनी अगली जगह के लिए। ओह माय गुडनेस यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, चेक करो गाइस रोड पर, अंकल क्रॉस कर लो फटाफट से, लड़की ना ताड़ो। सो यार मैं जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट, मैं मेंशन करती हूँ उसका नाम पहुँच के, आप मेरे साथ बने रहो। आई हूँ ओपीचो यहाँ का बार और रेस्टोरेंट है, और यहाँ की बहुत फेमस प्रॉपर्टीज में से एक है। आपने कभी टोडी ट्राई करा है? यहाँ बहुत मिलता है, यहाँ की लोकल है ड्रिंक, और बेसिकली क्या होता है, टोडी जो होती है वो मतलब पेड़ से डायरेक्ट उतारी जाती है। मेरा कल लग रहा ना, तो यहाँ के लोकल ड्रिंक टोडी ट्राई करते हैं, पहले ओपी तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू डे आफ्टर टुमारो विद न्यू व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी प्रॉपर्टी कैसे लगी जिसमें मैंने स्टे किया।